चंपावत सप्तैंधव प्रदेश के नाम से अपनी छवि विश्व पटल पर रखने वाला भारत का एक आश्चर्यजनक तथ्य है मां सरयू का आगमन। भारत की प्रथम नदी का आगमन इस पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के प्रयास से हुआ और उनके 19वीं पीढ़ी बाद भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता हासिल की है। सरयू और माँ गंगा के मिलने की मार्मिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि अंजनी कुमार उपाध्याय। संपदा से मैं नंदनी। जय माँ सरयू। उत्तर प्रदेश का के देवरिया जिले का बरहस तहसील और यहाँ इस बरहस से जो है गुजरती है माँ सरयू। हमें आश्चर्य होता है कि माँ सरयू का इतिहास आज जो है दुनिया की किसी भी नेट पर और दुनिया की किताबों में देखने को नहीं मिलता। इसे सबसे पहले जो है देखने को मिला तो आचार्य कृपानंद मिश्र ने अपनी पुस्तक में लिखा था जो आनंद रामायण के यात्रा सर्ग से उन्होंने लिया था। मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि माँ सरयू का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। सरयू का इतिहास सबसे पहले जो है कहीं मिलता है तो मुदगल ऋषि के द्वारा जो है भगवान श्री राम को बताया गया है। उनके अनुसार जो है माँ सरयू का इतिहास जो है बड़ा विलक्षण है। माँ सरयू गंगा की बड़ी बहन है। शंखासुर ने जब वेदों का हरण कर लिया तो इस धरती पर जो है वेद के न रहने के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो गई और जो है समस्त देवता जो है ऋषिगण जो भी थे वह जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो है विष्णु से प्रार्थना किए और विष्णु ने जो है शंखासुर का वध किया। वेदों की मुक्ति हुई। वेदों के को पाने के बाद ब्रह्मा जी बिहोल हो उठे। विष्णु जी के नेत्र से जो है अश्रुधाराएं बह निकली और उस अश्रुधाराओं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। काफ़ी दिनों तक ब्रह्मा जी के कमंडल में युगों तक रहने के बाद वह धारा जो है ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कहीं स्थापित करें तो उन्होंने उसे ये मानसरोवर में स्थापित कर दिया। मानसरोवर में स्थापित करने के कारण जो है माँ सरयू का एक नाम मानसी भी कहा जाता है। माँ सरयू का पृथ्वी पर आगमन यह भी एक विलक्षण कथा है। माँ सरयू को इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ की प्रेरणा से तपस्या करके जो है लाए और उस स्थिति में जो है इक्ष्वाकु अपने बाणों से जो है मार्ग बनाते गए और सरयू का मार्ग बनता गया। यह जो है कतरनिया घाट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इनके किनारे माँ सरयू का यह शर्त माँ सरयू की यह शर्त थी कि अयोध्या के लिए आप लेकर चल रहे हैं क्योंकि अयोध्या प्रमुख था तो एकमात्र रहना चाहिए। यह सत्य है कि सरयू के किनारे जो है किसी बड़े शहर का होना एक असंभव सी बात है। आज दिखाएं माँ सरयू के किनारे अयोध्या जो है स्थापित हुआ और अयोध्या को ये ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के दिन अयोध्या पहुंची और उसके एक माह बाद इक्ष्वाकु इसे मार्ग बनाते हुए आगे बढ़े और यह जो है एक माह बाद यानी जेठ के बाद आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के दिन ये बरहज में इनका आगमन हुआ। एक नदी यहाँ शारदा नेपाल में, बूढ़ी सरयू अयोध्या में, अचिरावती जिसे हम आज राप्ती के नाम से जानते हैं यह बरहज में और हिरणवती अर्थात छोटी गंडक जिसे हम जानते हैं यह चुड़िया में आकर के माँ सरयू से मिली। सरयू जो है आगे बढ़ते हुए अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मार्मिक कथा सरयू की जो है गंगा के मिलन की है। गंगा को इक्ष्वाकु के 19वीं पीढ़ी बाद जो है भगीरथ लाए थे। गंगा छोटी बहन थी सरयू की। गंगा जी आने के पहले उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त कि यह कि जाने के सरयू से मिलन के बाद मेरा ही नाम जो है पृथ्वी पर कायम रहेगा, सरयू का नाम जो है उसके बाद नहीं लिया जाएगा। सरयू ने उनको माँ सरयू ने अपनी छोटी बहन को जब वो मिली थी तो भाव विवल उठी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि छोटी बहन तुम्हारा ही नाम जो है इस दुनिया में हमेशा रहेगा और इतना ही नहीं बड़े बड़े शहर भी तुम्हारे किनारे बसेंगे। यही वजह है, पौराणिक कारण है कि सरयू के अलावा गंगा के किनारे जो है बड़े बड़े महानगर और बड़े बड़े जो है शहर बसे हुए हैं लेकिन सरयू के किनारे सिर्फ दो ही शहर मुख्य रूप से आते हैं, एक जो है अयोध्या और दूसरा बरहज। बाकी जो शहर हैं वह सरयू नदी से बहुत दूर हैं। कहने के लिए सरयू उनके उस शहर में है लेकिन वह उस शहर से बहुत दूर हैं। वैसे माँ सरयू
को विष्णु के नेत्र से निकलने के कारण इन्हें नेत्रजा कहा जाता है। वशिष्ठ के प्रयास से अवतरण होने के कारण इनका एक नाम वाशिष्ठी भी है। मानसरोवर से निकलने के कारण इनका एक नाम मानसी भी है। इसके अतिरिक्त नंदिनी, बाण गंगा और घाघरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोनों जो है विश्व गंगा और सरजू दोनों जो है नारायण के द्वारा इनकी उत्पत्ति है, इसलिए दोनों को नारायणी कहा जाता है। सरजू पहले आई इसलिए इन्हें जो है गंगा से बड़ा माना जाता है। सरजू की उत्पत्ति विष्णु के नेत्र से है इसलिए इन्हें नेत्रजा कहा जाता है, और गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण से है जो निकलने के बाद शंकर के जटाओं में, मानसरोवर और शंकर की जटाओं में एकत्रित हुई, तो उनको जो है उनके चरण से निकलने के कारण उनको भी नारायणी कहा जाता है। लगता है भगवान का पावन आशीर्वाद माँ सरजू का चरण यही विद्यमान है, जहाँ पर सारे जंगलों, नदियों, यह हमारी सरजू माँ सारे जंगलों, शहरों और मैदानों को छोड़ते हुए अगर आती हैं, और आती हैं तो हमारे ब्रज नगर को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं। ऐसी माँ को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। ये सरजू माँ की महिमा और भी बता रहा हूँ। यह सरजू माता जी भगवान श्री राम की, हमारे भावुकता भरे शब्दों में, वो भगवान श्री राम की माँ नहीं होती तो उनको गोद नहीं लेती। जिस तरह धरती माँ माँ जानकी को अपना बेटी मानती थी, उनको उन्होंने गोद लिया था, उसी तरह भगवान श्री राम को सरजू माँ ने गोद लिया है। मैं ऐसे धन्य माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। माँ सरजू का जो इतिहास है यह अत्यंत पुराना है, वैदिक है। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो जाना है, उस हिसाब से माँ सरजू सहित इस संसार की समस्त नदियों को पहली बार इस प्राकट्य के रूप में लाने का श्रेय राजा इक्ष्वाकु को जाता है, और उसी राजा इक्ष्वाकु के 19वीं पीढ़ी के रूप में राजा भगीरथ जी पैदा हुए थे, जिन्होंने इस धरती पर नदी को लाने का कार्य किया था। अब जहाँ तक सवाल है माँ सरजू का, तो ऐसी एक कथा हमारे वेद वेदांगों में आती है कि जब शंखासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ गया और वह वेदों को चुरा लिया था, तो उसके वध हेतु विष्णु जी अपना प्रयास किए और भगवान विष्णु ने उस राक्षस का संहार किया, और उसके बाद जब उस आताताई राक्षस का संहार हुआ तो भगवान विष्णु अत्यंत विह्वल हुए, और उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे थे उस आंसू को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया था, तो उसके का अपना एक अलग महात्म है, जिसमें भगवान राम निरंतर स्नान किया करते थे, और उस भगवान राम के समकालीन यह नदी अपने चरम धार्मिक उत्कर्ष पर थी, और आज भी उसकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई। माँ सरयू की अविरल धारा ब्रज में प्रवाहित होती हैं। माँ सरयू अयोध्या प्रभु श्री राम की जो नगरी है, उसके बाद एक ब्रज ऐसा नगर है जहाँ पर वह बहती हैं, और माँ सरयू एक लोगों में आस्था का केंद्र बनी हुई है। लोग अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो उनकी मांगें होती हैं, वो पूर्ति करने के लिए ब्रज में आते हैं। वो एक मोक्षदायिनी के रूप में भी जानी जाती हैं, जिससे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं और अपने स्नान करके यहाँ पे अपना दान देने का कार्य करते हैं। और ब्रज खास तौर से ब्रज में धीरे धीरे हमें लगता है कि माँ सरयू के जो आस्था तो है, लेकिन यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन में वो आस्थावान नहीं दिखते प्रशासनिक लोग, जिससे क्या कि माँ सरयू निश्चित रूप से धीरे धीरे वह प्रदूषित होती जा रही हैं। यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि उनके साफ सफाई के में अच्छा तरीके से ध्यान दें, और ख़ास तौर से ये माँ सरयू का आगमन ब्रज में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हिंदू जनमानस यहाँ का जनजागरण किया जाएगा और एक उनकी तिथि मनाई जाएगी, जिस दिन वो क्या है कि यहाँ पर ब्रज में अपनी धारा को लेकर यहाँ प्रवाहित होने के लिए आई हुई थी। ब्रज सरयू घाट पर
आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे संपदा न्यूज़ की तरफ से अभी आप माँ सरयू की कथा जो कि वर्णित है और स्पष्ट रूप से हमारे संपादक श्री अंजनी उपाध्याय जी ने व्याख्यान किया। संपदा न्यूज़ के लिए मैं राकेश श्रीवास्तव अपने अंजनी उपाध्याय जी के साथ।